पुतिन के शपथ के साथ ही यूक्रेन के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट छा गया है। तो वहीं राफा में 15 लाख जिंदगियों पर खतरा मंडरा रहा है। इजरायली सेना ने राफा में ग्राउंड ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। इजरायल और हमास में युद्ध विराम को लेकर चल रही बातचीत टूटी और इसी के साथ नेतन्याहू सेना ने राफा में संहार शुरू कर दिया। बाइडेन इस संहार के खिलाफ है लेकिन नेतन्याहू सुपर पावर अमेरिका कहने पर भी रुकने को तैयार नहीं। इसराइल के फाइटर जेट गरजे, आसमान से भीषण बमबारी हुई और इस तरह से सबसे बड़ा नरसंहार शुरू हो गया। हमास सीज फायर को तैयार हो गया, अमेरिका रोकता रह गया लेकिन इसराइल नहीं माना। उसने राफा में भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। आधी रात को आईडीएफ की बमबारी शुरू हो गई, सुबह तक हमले होते रहे और इसी के साथ राफा में बहुत बड़ा जलजला आ गया। जिस वक्त मिस्र में युद्ध विराम को लेकर इसराइल और हमास में बातचीत हो रही थी उसी वक्त नेतन्याहू सेना का ऑपरेशन राफा शुरू हो गया। राफा में जगह जगह हवाई हमले हुए, भीषण बमबारी में कई इमारतें तहस नहस हो गई। जिस वक्त राफा में हवाई हमले हो रहे थे उसी वक्त आईडीएफ टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स लेकर राफा में घुस गई। इसी के बाद इजरायली सेना राफा के अंदर घुस गई। उसके बाद राफा से विनाश की दहला देने वाली तस्वीरें आने लगी। इसराइल की बमबारी से राफा दहल गया, आसमान में बारूदी धुआं नजर आने लगा। राफा के अंदर घुसी इसराइल की ग्राउंड फोर्स भी टैंक से धावा बोलते हुए आगे बढ़ रही है। आईडीएफ के टैंक इस वक्त राफा में इसी तरह ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। वो न सिर्फ टारगेट को ढूंढ रहे हैं बल्कि उसे तबाह भी कर रहे हैं। राफा के कई इलाकों पर आईडीएफ ने न सिर्फ कब्जा कर लिया है बल्कि वहां इजराइल का ध्वज भी फहरा दिया है। राफा बॉर्डर के साथ साथ कई इलाकों में अब इजरायली झंडा नजर आ रहा है। इसराइल ने जिस राफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है वहां इस वक्त 17 लाख लोग हैं। इनमें ज्यादातर वो लोग हैं जो जान बचाने के लिए उत्तर और दक्षिणी गाजा के लिए राफा में भाग कर आए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि यहां बहुत बड़ा नरसंहार होने जा रहा है। आईडीएफ की बमबारी शुरू हुई, राफा में ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो जान बचाने के लिए लोग वासी की तरफ भागने लगे। लेकिन इसराइल ने यहां बैरिकेडिंग कर रखी है लिहाजा लोग बाहर नहीं निकल पाए। इसी तरह मिस्र ने फिलाडेल्फी कॉरिडोर को बंद कर दिया है जिससे 15 लाख से ज्यादा लोग राफा में ही फंस गए हैं। इन लोगों पर कभी भी मौत बरस सकती है। इसराइल ने राफा अभियान की शुरुआत की तो अमेरिका भड़क गया। जो बाइडेन ने नेतन्याहू से साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका राफा में ग्राउंड ऑपरेशन के खिलाफ है। अमेरिका के विरोध का भी इसराइल पर कोई असर नहीं हुआ। उसने ऐलान कर दिया है कि राफा ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि हमास की समाप्ति नहीं हो जाती। अब यहां सवाल यह है कि आखिर हमास और इसराइल में सीज फायर क्यों टूटा? इसराइल ने राफा ऑपरेशन क्यों शुरू किया? इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है? रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल और हमास के बीच मिस्र में जो बातचीत हो रही थी उसमें कई प्रपोजल थे, युद्ध विराम के कई दस्तावेज थे। हमास ने मिस्र वाले दस्तावेज के आधार पर युद्ध विराम का ऐलान किया था लेकिन इसराइल ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसी के बाद राफा में इजरायली सेना का संहार शुरू हो गया।
नेतन्याहू और उनकी सेना ने राफा में जो विध्वंसक कदम उठाया है उसका परिणाम बहुत भयावह होने वाला है, ये बात पूरी दुनिया जानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।